एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूज इन शॉर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे अमूल प्रो चॉकलेट पाउडर का। इसको मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है और 3 का पैकेट एक साथ मैंने लिया है, जिसकी MRP 540 रुपीज है। इसमें 3 पैकेट आए हुए हैं फ्रेंड्स, और ये जो है वे प्रोटीन माल्ट बेवरेज है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको मुझे करीब 1 मंथ से ऊपर हो गया है यूज करते हुए, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि ये किस तरीके का पाउडर है, इसमें किस किस में क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। इस पाउडर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो माल्ट एक्सट्रैक्ट, सुगर, मिल्क सॉलिड, वे सॉलिड, कैरेमल, कोकोआ सॉलिड, परमिटेड, इमल्सिफायर्स, रेजिंग एजेंट, DHA और सॉल्ट हैं। पर 100 ग्राम में इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, एनर्जी है इसमें 392 किलो कैलोरी, एनर्जी फ्रॉम फैट है 19.8 किलो कैलोरी, फैट है इसमें 2.2 ग्राम, सैचुरेटेड फैट है 1.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 85 ग्राम और एडेड शुगर है 32.7 ग्राम, डाइटरी फाइबर्स है इसमें 0.7 ग्राम, प्रोटीन है इसमें 8 ग्राम और DHA 3 मिलीग्राम। और इसमें लिखा भी हुआ है कि इसको किस तरीके से यूज करना है, हॉट और कोल्ड मिल्क में इसको 2 से 3 टीस्पून मिलाकर ले सकते हैं। तो ये पाउडर उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो नॉर्मल रूटीन लाइफ फॉलो करते हैं, जैसे जिम वगैरह या हैवी एक्सरसाइज नहीं करते हैं और थोड़े दुबले पतले हैं, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा पाउडर है, क्योंकि इसमें पर 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 8 ग्राम है और एक पाउच में 500 ग्राम आता है, जिसकी MRP 180 रुपीज है। जो लोग जिम जाते हैं और हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए पाउडर नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। और ये पाउडर कॉस्ट फ्रेंडली भी है और प्रोटीन, एनर्जी और टेस्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये पाउडर जो है वे प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स है, जैसा कि इसकी पाउच 2 पर भी लिखा हुआ है, अमूल प्रो कंटेन्स वे प्रोटीन विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वे प्रोटीन इज इजी टू डाइजेस्ट एंड प्रोवाइड क्विक नरिशमेंट टू मसल्स। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक ग्लास कोल्ड मिल्क ले लिया है। अब इसमें मैं 2 टीस्पून पाउडर मिला दूंगी और मिक्स करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, ये दूसरा चम्मच है और इसमें चॉकलेट जैसी खुशबू आ रही है, ये मैंने मिला दिया है। तो इसका कलर जो है, एक चाय बनाती हैं आप तो चाय जैसे कलर आ जाता है मिलाते मिलाते, और इसका टेस्ट जो है चॉकलेट फ्लेवर का है, तो काफी चॉकलेट की सी खुशबू आती है और काफी अच्छा टेस्ट है इसका। इसको ठंडे दूध में मिलाया है, इसीलिए थोड़ा एक कम मिक्स हुआ है, अगर आप गर्म दूध में मिलाएंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और काफी अच्छा कलर आएगा इसमें। और अगर आप ज्यादा शुगर नहीं यूज करते हैं तो इसमें ऊपर से शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। और ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में।